हम भीख थोड़ी मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रही हूँ, अने में कोई पात्र हूँ या कोई हीन भावना से आई हूँ, न कोई दया का भाव। अरे मेरा राइट है भाई, मेरा हक है, आप मेरे हक को कुर्सी पे बैठ के आपको तो जेल जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले किन्नर समाज की एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। मेरे साथ है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले सोनम किन्नर, जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट इस याचिका के साथ कि भैया हमको भी रिजर्वेशन चाहिए, महिलाओं को रिजर्वेशन है लेकिन हमको क्यों नहीं। क्या याचिका में आप लाए हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आए हैं? जी, सबसे पहले मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चंद्रचूड़ जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उनके बच्चे स्वस्थ रहें और खुद स्वयं आप स्वस्थ रहें। इस कलयुग के भगवान हैं, हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जितनी भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार मर्दों को है, महिलाओं को, उतना हिजड़ों को भी है, ट्रांसजेंडरों किन्नरों को भी है। तो हमारे किन्नर समाज को भी हमें मौलिक अधिकार, हमें आरक्षण देना चाहिए। और मेरी यही डिमांड है, हमारी भारत के संविधान जो है, ये संविधान हमारा, देखिए भारत का संविधान भी लाए हैं साथ में जी। ये देखिए भारत का संविधान, ये देश का संविधान है और यह भारत को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट आई हैं? नहीं, मैं इसको लेके आई हूँ, मैं ये रिट याचिका लाई है अपनी और भारत का संविधान भी हाथ में सोनम लाई है। और इनका कहना है कि संविधान के तहत सबको समान दर्जा दिया गया है, तो फिर हमको भी चुनाव में लड़ने के लिए रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को लेकर रिजर्वेशन है, महिलाओं को लेकर रिजर्वेशन है, तो हम भी तो इस समाज का हिस्सा है, हम भी तो नहीं, ये संविधान का हिस्सा है। ये संविधान अच्छे से स्टडी कर लीजिए, इसमें सभी लोगों का अधिकार है। भारत के गणतंत्र राज्य में जितने भी लोग रहते हैं सभी का मौलिक अधिकार है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो है अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट आदेश में भी 2014 के जजमेंट में भी जेंडर बना दिया, ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। और ट्रांसजेंडर के अब बनाने के बाद उसके बाद हमें नौकरी में आरक्षण, एजुकेशन में भी दिया गया है, हर चीज़ दे दिया गया है, राजनीतिक आर्थिक में दे दिया, राजनीतिक रोक लिया गया, आर्थिक सामाजिक में दिया गया, राजनीतिक रोक लिया गया। तो अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है, हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमने माननीय जो क्या नाम है निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखी, जो उस पत्र पे हमारी कोई सुनवाई हुआ नहीं, फिर गठन भी हुआ, फिर हमारी किन्नर समाज हाई कोर्ट में भी गए, वहाँ से सर्वोच्च न्यायालय खंड जो है मुख्य न्यायाधीश लखनऊ इलाहाबाद बेंच के माननीय डी के उपाध्याय जी ने अपने आदेश पारित में कंसिडर करने के लिए ट्रांसजेंडरों को भी कहा, परंतु हमें दरकिनार करके चुनाव कराया जा रहा है। और ये मैटर पहले से पेंडिंग था, उसी में इन पर्सन में शामिल हूं। आपका याचिका पहले से पेंडिंग थी? उत्तर प्रदेश सरकार बनाम और किसी और 93 लोगों का याचिका था, उसके जो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने जो जजमेंट दी उसके खिलाफ राज्य सरकार आई थी। तो हमारे उसमें हमारे किन्नर समाज भी है ना, तो उसी किन्नर समाज की बात करने के लिए हम भी अपना इन पर्सन रिट दायर की, हमें भी सुना जाए और हमारी भी मौलिक अधिकार का हनन। इनका यही कहना है कि इनका अधिकार है राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी देना, आपको नौकरियों में आरक्षण मिल गया, तमाम जगह मिल गया, तो फिर राजनीतिक रूप से इनको आरक्षण क्यों नहीं देगा, यही कहना ना आपका? हाँ, संविधानिक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत तो हमारा। लेकिन इतनी जल्दी तो मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ से राहत मिलेगी, अब तो चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों में, तो अभी यही तो संविधान की देखिए राहत क्यों नहीं मिलेगी। ये संविधान में चीजें हैं, दिया जाए और जेंडर भी बन गया है ट्रांसजेंडर, तो आप हमें बिना दिए चुनाव करा रहे हैं, तो ये तो सरासर ये संविधान की और कोर्ट का अवहेलना है, देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, फिर तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो फिर हमारा देश किस ओर जा रहा है? नहीं तो ये तो कानून जो निर्माता हैं राजनीतिक लोग हैं, संसद कानून का तो ड्राफ्ट संसद करते हैं ना, तो माननीय मोदी जी ने तो दे ही दिए हैं राज्यसभा लोकसभा से पारित करा के,
ये तो कुछ अधिकारी लोग हैं, ये राजनीतिक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आईएएस कुछ आईएएस है जो अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, नेताओं को गुमराह करके, और अपनी चीज़ें लगाना चाह रहे, नहीं देना चाह रहे। देना चाहिए भैया, दे, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं। और अब आप हम भीख नहीं मांग रही हूँ, आने में कोई पात्र हूँ या कोई हीन भावना से आई हूँ, ना कोई दया का भाव। भाई मेरा राइट है, भाई मेरा हक है। आप मेरे हक को कुर्सी पे बैठ के, आपको तो जेल जाना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ तो जेल भेजना चाहिए, इनको तो इनकी संपत्ति कुर्क करना चाहिए, इनके खिलाफ कंटम कोर्ट बनना चाहिए। जब हमें हमारी चीज है तो उसको लागू करने का काम किसका है? जो इस दायित्व पे, इस चेयर पे बैठे हुए लोग हैं, जिनका काम है जो लागू कराना चीज़ों को, समाज में सशक्त कानून बनाना, तो नहीं बना रहे हैं। पद पे बैठे हैं, चेयर का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो चेयर का दुरुपयोग है, जो काफ़ी गुस्से में है और इस बात को लेकर यहाँ पर आई है कि जो राजनीतिक अधिकार अभी उनसे दूर है या उनको नहीं दिया गया है, वो दिलवाने में सुप्रीम कोर्ट मदद करे ताकि राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? मुझे हमें उम्मीद है, हाँ मैं उम्मीद करती हूँ हमारे मुख्य न्यायाधीश चंद्रू जी, उनकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहें, हमेशा स्मार्ट रहें सर, और यंग हैं, हमें हमारी बात सुनेंगे और हम लोगों को हमारी राजनीतिक आरक्षण का आदेश करेंगे और उत्तर प्रदेश का चुनाव निकाय को टालेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। ये आपने सोनम के मुंह से ही सुन लिया, आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं, इस खबर को शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक, चाहे राजनीतिक हो या फिर कोर्ट से जुड़े हुए तमाम लोग, न्यायाधीश हों, उन तक पहुंचे और इस बारे में वो निर्णय लें।